दोस्तों क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में बने ग्रेनेड यानी कि बॉम्ब को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया में से कौन सा बॉम्ब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बने ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस ग्रेनेड पे पड़ता है तो लगभग 16 टन का वजन पड़ते ही ये ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। चलिए अब चाइना में बने ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। हालांकि इससे कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों वही बात हुई, जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस ग्रेनेड पे पड़ता है तो सिर्फ 6 टन का वजन पड़ते ही ये ग्रेनेड तो पूरी तरह से पिचक जाता है। चलिए अब हमारे प्यारे देश भारत में बने ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों भारत में बने ग्रेनेड ने तो सबसे ज्यादा 21 टन तक का वजन सहन कर